ना कोई। ये आगे आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है लेकिन रिपोर्टिंग उधर ही होगी थोड़ी देर में। ठीक है थोड़ा आगे तक ले लो भैया। अस्सलाम वालेकुम। हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी ठीक हैं। ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है, जयपुर जंक्शन, जो कि पिंक कलर से आप देख सकते हैं कि रंगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा स्टेशन है। इससे पहले मैंने जो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का ब्लॉग अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये सारा लाइन से पीजी है जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो अगर चाहें तो इस पीजी में रह सकते हैं और अपने बजट में उनको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए। ये आगे आगे है भाई, गेट नंबर लिखा होगा। ये निम्स हॉस्पिटल है जो कि गेट नंबर 1 से यहाँ पे एंट्री होती है। नहीं ना बराबर है ना। ये निम्स यूनिवर्सिटी है जो कि गेट नंबर 2 से स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। इससे पहले मैंने हॉस्पिटल देखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है लेकिन रिपोर्टिंग उधर ही होगी थोड़ी देर में। ठीक है थोड़ा आगे तक ले लो भैया। तो रीम में ही चला ना बेटा। रिपोर्टिंग जो उधर है बोला ना, सेक्शन अलग रखे ओ देंगे ना रिपोर्टिंग कार्ड और ये बैग के लगा है ना पूरा न्यू फ्रेशर्स रिपोर्टिंग करके। उद्योग इधर होगा। बैठे मैं तो मैं उधर ही आया था, ऊपर नहीं ऑफिसर को फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। यशवंत वगैरह कहाँ रहते हैं? अंदर यशवंत धन, यशवंत धन आपका वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बता रही हूँ तो आप पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रोसीजर क्या है एडमिशन लेने का, किस कब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से आपको कहाँ जाना है। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ तो आप देखते जाएं। अब हम आ चुके हैं ऑडिटोरियम में। अभी जो आपने देखा वहाँ पर दो फॉर्म फिल कर रहे थे, एक तो था हॉस्टल का आईडी कार्ड, दूसरा आपको लेना होगा यूनिवर्सिटी के लिए आईडी कार्ड। तो दो फॉर्म फिलअप करने होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जो भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड फीस सबमिशन वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सबमिट करना है। अगर आप निम्स में एडमिशन लेते हो मेडिकल के लिए तो आपको 10K स्टार्टिंग में देना होता है सीट बुकिंग का, ठीक है। उसके बाद बाकी प्रोसीजर जब आप सारे प्रोसेस करते हो उस वक्त वो ईयरली बेसिस पे आपकी फ़ीस लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपको जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है, और वहाँ पर सारा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, लाइक LC हो गया, माइग्रेशन हो गया, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल देनी है। और HSC का जो है रिज़ल्ट जो है वो आपको जेरोक्स भी चलेगा। तो बस ये वेरीफाई करते हैं, इसके बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सारा प्रोसीजर क्योंकि हमारा हो चुका है। तो अब हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट है अब वहाँ पर जा रहे हैं।
आगे मैं अभी आपको हॉस्टल भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद किस हॉस्टल में मतलब बच्चे कहाँ और स्टे करते हैं। ओके ओके क्या बोला आपने? अगर वीडियो पसंद आती है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये देखिए हम फिफ्थ फ्लोर पे आ चुके हैं और अब इसके बाद हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे प्रिंसिपल से मिलने। तो चलें चलते हैं, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ चुकी है तो अब हम ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए थर्ड फ्लोर पे हम आ चुके हैं, अब प्रिंसिपल के जो है ऑफिस में जा रहे हैं और यहाँ से निकलकर अब हम सीधा जाएंगे शुभम रिसोर्ट। तो ये देखिए शुभम रिसोर्ट का जो है रास्ता है पूरा, और ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं निम्स यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और बाय बस ये 5 मिनट सिर्फ लगता है। और ये देखिए अमित यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और ये हम पहुँच चुके हैं शुभम रिसोर्ट, जहाँ की स्टूडेंट्स जो है निम्स के यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है। ये इनका हॉस्टल है और ये टेम्परेरी मतलब इन्हें प्रोवाइड किया गया है, ये परमानेंट नहीं है। तो उनका बाद में उन्हें कौन सा दिया गया है मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को आसानी हो जाए। तो ये देखिए बाहर से कुछ इस तरीके से इसका व्यू है शुभम रिसोर्ट का। मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाऊँगी थोड़ा सा, रूम का भी और बाहर का व्यू भी दिखाऊँगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए है, ताकि जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या लिए हैं तो उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस ब्लॉक से। और ये शुभम रिसोर्ट देखिए, ये जो रूम मिला है ये वहाँ से इतना प्यारा व्यू जो है गैलरी से दिखता है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी इंजॉय करें। मौसम कितना प्यारा है देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुभम रिसोर्ट जो है परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये टेम्परेरी उनको दिया गया था क्योंकि उनका कुछ काम चल रहा था, तो अब उनको प्रोवाइड कर दिया गया है परमानेंट हॉस्टल, ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, तो निम्स यूनिवर्सिटी रूम टूर का मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो लगाई है, तो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा रूम प्रोवाइड किया उन्होंने, सारी फैसिलिटीज़ भी दी है। और ये शुभम रिसोर्ट का ब्रेकफास्ट आपको दिखा रही हूँ, मतलब हर डिफरेंट डिफरेंट डेज पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट होता है, उनका लंच होता है, मेन्यू मतलब डिफरेंट होता है। बस मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मौजूद है FOUZIA3823, तो मुझे वहाँ से जाके आप फॉलो करें। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैंने अपनी तरफ से सारी डिटेल्स बताने की कोशिश की है, फिर भी कुछ मिस हो गई हो तो ज़रूर पूछिएगा। सब ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।